जर्सी के रीमेक में पंकज और शाहिद कपूर को एक साथ लेने के पीछे क्या कारण है, इस फिल्म की सबसे बड़ी खबर क्या है और क्या ये फिल्म 300 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस साल अप्रैल महीने में एक मूवी रिलीज हुई थी तेलुगु में, नाम था जर्सी। समीक्षकों से लेकर दर्शकों तक ने इस स्पोर्ट मूवी को खूब सराहा था। फिर शाहिद कपूर ने इस मूवी के साथ भी वही किया जो उन्होंने कबीर सिंह के साथ किया था, यानी इसके हिंदी रीमेक में एक्टिंग। इस हिंदी वाले वर्जन का नाम भी जर्सी ही होगा और इसे भी वही डायरेक्ट करेंगे जिन्होंने तेलुगु वाली मूवी को किया था, गौतम तिन्नानुरी। ये एक क्रिकेटर की लाइफ स्टोरी होगी जो टीम से बाहर होने के बाद दोबारा अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। फिल्म अगले साल अगस्त तक रिलीज होने की उम्मीद है। तो अब बात करते हैं फिल्म की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। कुमकुम भाग्य से फेम में आई मृणाल ठाकुर बाद में कई फिल्मों में देखी गई, जिनमें से सुपर 30 ने कमर्शियल सक्सेस पाई और लव सोनिया क्रिटिक्स के बीच बहुत चर्चित रही। अब लेटेस्ट खबर ये है कि वो जर्सी में भी दिखेंगी, ऑफ कोर्स शाहिद कपूर के अपोजिट। इनफैक्ट मृणाल को लेकर गौतम ने कहा था, मेरे मन में शाहिद के अपोजिट मृणाल ही थी क्योंकि मुझे सुपर 30 में उनकी परफॉर्मेंस काफी पसंद आई थी। वहीं बॉलीवुड से जुड़ा ये आज के दिन का शायद सबसे सुखद आश्चर्य हो कि बाप बेटे की जोड़ी 4 साल बाद फिर से एक फिल्म में दिखने वाली है। इनफैक्ट 5 साल, क्योंकि जर्सी अगले साल रिलीज हो रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पंकज कपूर और शाहिद कपूर की। जी हाँ, पंकज कपूर और शाहिद कपूर की पिछली फिल्म शानदार थी, मतलब मूवी का नाम शानदार था, वरना तो अक्टूबर 2015 में आई ये फिल्म आई गई वाली कैटेगरी की फिल्म थी। बाप बेटे की ये जोड़ी ही नहीं बल्कि पंकज भी बड़े पर्दे पर लास्ट बार इसी मूवी में दिखे थे। इसके बाद आई उनकी एकमात्र मूवी टोबा टैक्सी, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। शानदार फिल्म में आलिया भट्ट एक अनाथ बनी थी और पंकज कपूर बने थे आलिया के कैरेक्टर को गोद लेने वाले उसके मुंह बोले पिता। शाहिद कपूर आलिया के लव इंटरेस्ट, और इसके अलावा मूवी में कुछ ऐसा नहीं था जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। शानदार से पहले ये बाप बेटे की जोड़ी 2011 की मौसम में देखी गई थी। नहीं, दिखे केवल शाहिद ही थे क्योंकि पंकज कपूर ने मौसम में एक्टिंग नहीं की थी बल्कि उसे डायरेक्ट किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेशक धड़ाम हो गई हो, लेकिन समीक्षकों ने इसे बेहद पसंद किया था और इसके मेलोडियस गीतों की भी काफी तारीफें हुई थी। वेल, अब फॉरवर्ड मूविंग अप्रोच अपनाते हुए जर्सी की बात करते हैं। तो पंकज ने जर्सी में अपने रोल की बात को स्वीकारते हुए बताया कि जर्सी इमोशंस से प्रेरित एक मजबूत कहानी है। शाहिद के साथ काम करना हमेशा दिलचस्प रहा है। मैं इमोशंस को खूबसूरती से बड़े पर्दे पर चित्रित करने की उनकी क्षमता का प्रशंसक हूँ। तो उधर डायरेक्टर भी पंकज को पाकर बेहद खुश लगे। उन्होंने कहा, पंकज सर कमाल के एक्टर हैं, हम उनका काम देखते हुए बड़े हुए हैं। उनको डायरेक्ट करना एक बहुत बड़ा सम्मान होगा। मैं जानता हूँ कि एक गुरु के रोल में वो परफेक्ट तरीके से फिट बैठते हैं। तो बड़ी खबर ये नहीं है कि इसमें पंकज कपूर भी हैं, बड़ी खबर तो ये है कि पंकज कपूर शाहिद कपूर के गुरु बनने वाले हैं। जी हाँ, एक ऐसे प्लेयर के गुरु जो 36 साल में कमबैक करना चाहता है, तब जब बेहतरीन करियर और स्टैटिस्टिक्स वाले क्रिकेटर्स भी चूकने लगते हैं और उनकी रिटायरमेंट की मांग होने लगती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये बाप बेटे की जोड़ी क्या फिर से इस फिल्म के जरिए धमाल मचा पाएगी और क्या ये फिल्म 300 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी? आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।